हलो वेज कैसे आप सब गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी वेरी वेलकम ऑन द चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द क्लास तो दिस इज आवर आईआर एंड द वर्ल्ड क्लास ठीक है शोज पे पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स में जो भी रहा है और जो भी कुछ दुनिया में घट रहा है जो कहीं ना कहीं इंडिया को इम्पैक्ट कर सकता है या इंडिया इम्पैक्ट कर रहा है कुछ वर्ल्ड पे तो ऑब्वियसली दोनों ही तरह की जो न्यूज़ है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनती है सो वी विल बी कवरिंग द पूरा हफ्ते का जो लास्ट वीक का जो भी ये आई से रिलेटेड और जो ग्लोबल इवेंट्स से रिलेटेड जो न्यूज़ है ठीक है वैसे संडे को होती क्लास बस बार हो नहीं पाई थी सो टुडे लेट्स नॉट मिस एनी संडे और एनी वीक्स कंपाइलेशन, ठीक है सो आई होप द क्लास विल बी वेरी फ्रूटफुल एक बार शेयर कर दीजिए गुड इवनिंग तेजस्ट लर्न आदित्य विप्रव करीना इशिका सर सीचर टाइम टू हाँ बताएंगे उसका करेंगे वीकेंट्स पर करा करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों का क्लास शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए ओके यस चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा से डी यू ठीक है बाकी आपको ये चैनल पे तो आप कोई यहाँ पे आपको उसका पी मिल जाएगा बाकी सारे लिंक्स मिल जाएंगे ठीक है तो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पे गई हमारे साथ जुड़ सकते हो आप लोग अपनी कंप्लीट हॉलिस्टिक तैयारी के लिए यू कैन यूज़ माई कोड सी डी यू एंड यू कैन गेट ऑल द बेनिफिट्स लाइक पर्सनल मेंटरिंग गाइडेंस एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्काउंट ऑफर अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट और ऑफर आने वाला है

इस कोस्ट से टकराते हैं ठीक है वो वो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ठीक है उनका बनना और बिगड़ना और द मैनिफेस्टेश रेमिफिकेशन एकदम अलग है ठीक है ऊंचे इलाके हैं जो अर्थ पे जो हायर लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं इस वो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं और वो गर्म हवा जो होती है और पोल से आने वाली ठंडी हवा जब मिलती है तब ये साइक्लोन बनते हैं इनको हम कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स ठीक है टेम्परेट साइक्लोन्स तो जो टेम्परेट साइक्लोन बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं ग्लोबल वेदर पे पर्टिकुलरली यूरोप का जो वेदर है अमेरिका का जो वेदर है यूएसए का कैनेडा का तो बॉम साइक्लोन बच्चों वहीं से वर्ड निकला हुआ है ठीक है तो जब गई टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं ये वाले जो मैं आपको बता रहा हूं गर्म और ठंडी हवा के मिलने के कारण तो नेचुरली साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम एंड इट हैज अ रिवॉल्विंग एयर अराउंड इट ठीक है और इसके जो बीच में एकदम जो है आपको लो प्रेशर मिलेगा ठीक है जब ये लो प्रेशर गईस बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है सिग्निफिकेंटली इट ड्रॉप्स टू अ वेरी ड्रास्टिक लेवल देन द बॉम साइक्लोन अपियर्स और यू कैन से ये बहुत ही खतरनाक साइक्लोन है तो इस साइक्लोन के अंदर कई पहले तो एक तो ये टेम्परेट साइक्लोन का प्रकार है टाइप ऑफ अ टेम्पोर साइक्लोन ठीक है तो यूएसए में भी 34 जो है लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द बॉम्ब तो मिड लैटिट्यूड पे आते हैं आने के 60, 70, 80, uh, 50 डिग्री के जो नॉर्थ साउथ लैटीट्यूड हैं तो बच्चों इसमें जो है आपको पता है ना एवरेज जो हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर है अर्थ पे दैट इज द गोल्डन नंबर आई होप यू रिमेबर दिस नंबर वन जीरो वन जीरो वन थ्री मिली बार जो है ये आपका नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये वन जीरो वन थ्री जो है आपका नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है ठीक है सी लेवल पे लेकिन जब बॉम्ब साइक्लोन बनता है तो बच्चो ट्वेंटी फोर मिली बार जो है एम बी गिरावट आ जाती है एटमोस्फेरिक प्रेशर में इन लेस देन ट्वेंटी फोर आवर्स इट क्रिएट्स अ वेरी बिग वेरी मैसिव लो प्रेशर और लो प्रेशर बच्चों जितना ज्यादा होगा उतना ही हवा जो है तेज घूमेगी आंधी तूफान आएंगे और जो है एक साइक्लोन जो है तबाही ज्यादा ला सकता है इसको हम कहते हैं बॉम्ब जेनेसिस बॉम्बो जेनेसिस ओके सो इट इज अ टाइप ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन टेम्परेट साइक्लोन में भी प्रेशर बहुत ज्यादा तेजी से गिर गया तो तेज हवाएं चलेंगी ओके रोटेशन ऑफ अर्थ से फिर जो है 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 साइक्लोनिक इफेक्ट इफेक्ट से से मिल जाता है, से, ठीक है? एक और बात पता होनी चाहिए इस आपको, ये आपको साइक्लोन्स का रूल रूल है थम है इसको आप याद कर लीजिए नॉर्दर्न हेमेस्फेयर में हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और सदर्न हेमिसफेयर में हमेशा वो क्लॉकवाइज घूमेंगे भले ही वो टेम्परेट साइक्लोन हो या वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो

तो वी नो दैट दीज़ फाइव ग्रेट लेक्स आर ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कैनेडा ठीक है तो so, ये लेक सुपीरियर ठीक है so, लेक सुपीरियर और जो ये है आपके लेक हुरॉन, लेक एरी लेक ऑन्टेरियो ये जो है ये तो बॉर्डर आधी आधी बनाती है कैनेडा है इस तरफ ठीक है यू हैव दिस इज द कैनेडा ओके तो कैनेडा के पीछे बटी वो लेक सुपीरियर लेक हुर लेकिन लेक ऑनटेरियो लेक मिशिगन जो है आप कह सकते हो एक तरह से पूरी तरह से यूएसए के अंदर में है ठीक है अगर इन पांचों लेक्स को मिला दें तो इनका जो एरिया है वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट वाटर फ्रेश वाटर लेक बन जाएगी ये पांचों का एरिया हम मिला दें लेकिन पांचों थोड़ा दूर है तो ऐसे मिला नहीं सकते हैं बट अगर हम पांचों का एरिया एक साथ कैलकुलेट करें तो दिस इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम इन द वर्ल्ड ठीक है तो एक तो बात ये हो गई अभी गईस क्या है जो बच्चों इन लेक्स में एसिडिफिकेशन का जो है वैल्यू बढ़ गया है ठीक है नाउ द एसिडिफिकेशन एसिडिटी है वाटर में आपको पता है इसको पीएच लेवल हम कहते हैं वो बढ़ गई है इन लेक्स के अंदर यानी कि वाटर जो है इन लेक्स का एसिडिक होता जा रहा है। अब ने ये कहा है कि दो हजार इक्कीस ओके दो 2021 इक्कीस okay, सौ तक यानी कि 2100 तक साल 2100 तक अभी 2021 चल रहा है 2022 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है ओके okay, यानी कुछ लगभग 80 सालों में इसकी एसिडिटी जो है या सैलिनिटी आप कह लीजिए या एसिडिटी जो है एसिडिक वैल्यू जो है ओशियस के बराबर हो जाएगी आज के जो ओशियस में जो एसिडिक लेवल है उतने उतनी एसिडिक हो जाएंगी ये लेक्स ठीक है तो ये डेटा बच्चों नोआ ने निकाला है अब यहां पे मैं आपको नोआ के बारे में बताना चाहता हूं तो जैसे बच्चों नासा को आप जानते हो नासा क्या है नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ओके okay, एरोस्पेस uh, का यूएसए का तो नासा को सब जानते हैं कि नासा यूएसए का है और नासा स्पेस के बारे में सब कुछ जो है एक्सप्लोर करता है सब कुछ खोजता रहता है हमेशा बट नोआ को आप लोग नहीं जानते हो तो बच्चों जैसे यूएसए के पास नासा है स्पेस के लिए ऐसे ही हमारे ओशियन एटमोसफेयर के लिए यूएसए के पास है नोआ तो नोआ भी एक बहुत बड़ी एक एजेंसी आप ये कह सकते हो तो नोआ ने ये डेटा जो है रिलीज किया है और अब इस सिचुएशन को देखते हुए लेक हुरॉन ठीक है जो ये वाली लेक है यहाँ पर लेक हुन के अंदर इन लोगों ने साइंटिस्टों ने सेंसर्स लगाए चेक करने के लिए कि भाई कहाँ एसिडिटी हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज पानी की चेंज हो रही है क्यों हो रही है कहां पे ज्यादा है कहां कम है कितना स्पीड से चेंज हो रहा है ऑल ऑल द थिंग ओके सो दिस इज द न्यूज ठीक है सो फाइव लेक्स आर देयर ओके सो अगर एसिडिफाई हो जाती है कहीं से लेक तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी जो लेक्स में जो ऑर्गेनिजम रहते हैं उनको दिक्कत हो सकती है ओके okay, इसे फिजियोलॉजिकल चैलेंजेस होगा ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ओके परमानेंटली इट कैन इफेक्ट द इकोसिस्टम ऑफ दिस ग्रेट लेक्स ओके सो दीस आर द थिंग्स ठीक है तो पीएच वैल्यू पे जो बच्चों हम जो है कैलकुलेट करते हैं ठीक है आयंस पे ओके पीएच स्केल होता है आपको पता ही है सेवन जो है न्यूट्रल है इधर जो आप चलते हो तो आपका एल्कलाइन हो जाता है जीरो की तरफ जो है एसिडिक हो जाता है तो हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो उतना ही वो एसिडिक होता है ओके okay. और एल्कलाइन होता है इस तरफ ओके ऑल राइट दिस इज द थिंग समझ गए आप नेक्स्ट उस उसमें चलते हैं दिस आई वांट टू टेल यू अबाउट ऑल राइट ठीक है सो इज प्रोजेक्ट ट्वेंटी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड डिफेंस एक्विएशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये तो कालवेरी क्लास का बच्चों फिफ्थ जो सबमरीन है वो हमें मिल चुका है ठीक है अब ये जो सबमरीन है गई बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये छह सबमरीन बनने थे कालवेरी पहली सबमरीन है तो सी के नाम पे जो है इनका नाम रख दिया गया है कालवेरी खांडेरी करण श्वेला और वागीर जो है अभी बनकर तैयार हो गई है और इसको इंडियन नेवी ने जो है अब पार्ट बन गई है ये छह सबमरीन है ठीक है जो बच्चों फ्रांस की कंपनी डी सी एन एस ये हमारे को हेल्प कर रही है इन सबमरी को बनाने के लिए ठीक है कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है शो फर्स्ट ऑफ ऑल गई दी समरीन्स आर बेसिकली द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो ओरिजिनल नाम है वो इन सबमरीन का है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ये सबमरीन्स डी एस डी सी एन एस कंपनी जो है फ्रांस की और स्पेन की कंपनी है उन्होंने बनाई थी पहले इंडिया को पसंद आई तो इंडिया ने ये खरीद ली ठीक है इंडिया ने टेक्नोलॉजी खरीद ली और इंडिया में ही बन रही है बट जो है हमारे को यहां पर जो डीसीएनएस है और स्पेन की कंपनी है नवंतिया ये दोनों कंपनीज हमारी मदद कर रही हैं इन सबमरीन्स को बनाने के लिए डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं ये इसका मतलब जानना जरूरी है थोड़ा ओके तो पहली जो सबमरीन हमको मिली थी जो बनी थी वो कालवेरी थी वो तो उसी के नाम पे जो है कालवेरी क्लास इसका नाम हो गया कालवेरी क्लास सबमरीन्स हैं ये सारी की सारी ठीक है यानी कि कालवेरी का एक मलयालम का वर्ड है कालवेरी का मतलब टाइगर शार्क ठीक है तो टाइगर उसके नाम पे सारी को जो है पहचाना जाएगा कालवेरी क्लास अब गई ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है ठीक है समरीन की से जो पावर होता है वो उसके हमेशा छुपे रहने की जो शक्ति है ओके उसके अंदर होता है द पावर टू स्टे अंडर द वॉटर ठीक है और छुपकर वो पानी के अंदर रहे इसी में उसकी खास जो है खासियत होती है अब गईस क्योंकि ये सबमरीन जो है डीजल से चलती हैं ऑब्वियसली अब डीजल जो है डीजल का इंजन समुंदर के नीचे तो काम करेगा नहीं तो इसको ऊपर आना पड़ता है ठीक है फिर डीजल इंजन चलाते हैं ये लोग फिर ये अपनी बैटरी चार्ज करती है जैसे अपना फोन चार्ज करते हो जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है फिर बैटरी के दम पे जो है ये नीचे गोता लगा देती है ठीक है और फिर बहुत क्योंकि अब कोई मूविंग पार्ट्स तो है नहीं इंजन तो है नहीं मोटर है और बैटरी है उससे इस सबमरीन को पावर मिलता है यानी कि बैटरी से ठीक है लेकिन बच्चों बैटरी की लिमिटेड लाइफ है दो तीन दिन तक ये बस समुन्द्र के नीचे रह सकती है फिर इसको अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा तो ये एक ड्रॉबैक होता है कन्वेंशनल सबमरीन का ठीक है इसका तोड़ है न्यूक्लियर रिएक्टर आप लगा दो सबमरीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है एक बार लगा दिया तो उसको रिफ्यूल करने की ज़रूरत जो है बीस तीस साल तक रिफ्यूल करने की ज़रूरत नहीं तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इनडेफिनेट अमाउंट के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीनस जो हैं पानी के अंदर रह सकती हैं बच्चों अच्छी बात है क्योंकि आप पाकिस्तान के कोस्ट वगैरह आप घूम रहे हो और पता चला कि बैटरी डाउन हो गई तो आपको ऊपर आना पड़ेगा तो वहां पे आपको स्पॉट किया जा सकता है तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और भी बेहतर होती है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर फिट होता है तो उसको ऊपर आने की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती बस खाने पीने की समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए ठीक है लेकिन अब वो महंगी है तो द अल्टरनेटिव इज द डीज़ल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स अब इनका भी फायदा है कहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का एक तो ये शांत रहती हैं बहुत पानी के अंदर शोर नहीं मचाती हैं ठीक है तो इनको पहचान पहचानना जो है ढूंढना स्पॉट करना मुश्किल होता है ठीक है छोटी होती हैं तो जो है जल्दी से मनोवरेबल भी होती हैं ओके बेसिकली डीजल से प्रोपल्शियल मिलता है ओके एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है यानी कि एयर की जरूरत नहीं क्योंकि सबमरीन पानी के नीचे जाकर जो है बैटरी पे चलती है इलेक्ट्रिसिटी पे ओके सो सिक्स आपको याद रहना चाहिए सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है सो लास्ट right, so जो बच रही है वो मिल जाएगी तो सीरीज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ये एंड वी विल बी हैविंग अ गुड नेवी इट विल स्ट्रेंथन आर नेवी इन अ ग्रेट सेंस ठीक है नेक्स्ट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है एयर इंडिपेंडेंट यस नोटेड आगे बढ़ते हैं तो वह कोल 2022 एनालिसिस रिपोर्ट आई है ट्वेंटी ट्वेंटी 2022 एनालिस रिपोर्ट आई है ऑब्वियसली 2022 खत्म हो रहा है तो कुछ तो आना ही चाहिए तो ये रिपोर्ट निकाली आई ई ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई जो जो एजेंसी है वो ओसीडी की एजेंसी है ठीक है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एजेंसी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ठीक है इसकी एक सब एजेंसी है आई और आईए ने कोल 2022 की रिपोर्ट निकाली है एनालिसिस एंड 2025 जिसमें इंडिया और चाइना को जो है थोड़ा लपेट दिया है इन लोगों ने इस रिपोर्ट में गई जिन्होंने ये कहा है कि भले आप कितनी बातें कर लो लेकिन कोल का यूज जो है बड़ा है दुनिया में 1.2 परसेंट दो में और सरपास कर गया ये क्वांटिटी वाइज अगर देखोगे तो एट बिलियन टन से ज्यादा दुनिया में कोल जला है इस साल में आठ बिलियन टन और इसमें जो इसने कहा है कि अधिकतर जो ये सारे के ये जो करी है जो सारे के सारी यूसेज जो इंडिया और चाइना ने ही किया है ये दोनों लार्जेस्ट कंट्रीज इंडिया और चाइना दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं पहले तो सबसे ज्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं सबसे ज्यादा और फिर भी इनका पेट नहीं भरा तो ये इंपोर्ट भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो एक तरह से बचो इस रिपोर्ट में हमारे को एकदम जो है पूरा इल्जाम इंडिया पर और चाइना पर लगा दिया है कि ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर है कंज्यूमर है और इम्पोर्टर भी हैं पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करी जाए इस रिपोर्ट के हिसाब से तो इंडिया बिलियन टन बाय 2025 यानी बच्चों आने वाले समय में कोई भी ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत में कोल का कंजप्शन गिरने वाला बढ़ेगा ही तो अकेले इंडिया का ही कोल कंजप्शन 2025 तक एक बिलियन टन आप सौ करोड़ टन हो गया मतलब सौ करोड़ टन से ज्यादा हो जाएगा ठीक है और आगे और ये बोलती रिपोर्ट इंडिया के बारे में कि इंडिया में जो कोल कंजप्शन है 2007 से 2022 के अंदर डबल हो गया है जस्ट ठीक है 2022 में जो है जस्ट डबल हो गया है और लगभग 6 परसेंट ग्रोथ रेट से हमने कोल का यूसेज बढ़ा दिया है तो एक तरफ यही हम बातें कर रहे हैं आई की पेरिस एग्रीमेंट की और ग्रीन और क्लीन एनवायरमेंट की और ग्रीन हाउस गैसेस कैसेस कमीशन कम करने की बट ये जो है रिपोर्ट हमें कुछ और ही बात बता रही है सो इट इज इम्पोर्टेंट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर योर प्रब्लम्स ऑल्सो एंड यू कैन ऑब्वियसली कोर्ट द डेटा इन योर मेन्स एग्जामिनेशन समझ गए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आई की रिपोर्ट है कोई हल्की एजेंसी नहीं है आई ए ओके okay. आपको पता होना चाहिए याद होना चाहिए आगे बढ़ते हैं कोविड ओके सो कोविड अब दोबारा खतरा मंडरा रहा है कोविड का तो कोविड का बचो फिलहाल का आगे का तो मुझे नहीं पता यार आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और फ्यूचर टेलर लेकिन अभी जो हो रहा है दुनिया में क्यों इतनी घबराहट हो रही है वो मैं थोड़ा आपको बता सकता हूँ ठीक है बी एफ सेवन जो वेरिएंट है ये, ये इसकी वजह से हो रहा है ओके अब बी एफ सेवन वेरियंट क्या है सर तो वो भी आपको बता देते हैं ठीक है थीके? तो जो कोरोना आया उससे हम सब हिल गए थे सेकेंड वेव में आपको पता ही है उसके बाद एक हल्का सा झटका आया था ओमिक्रॉन का ठीक है उसमें लेकिन कुछ इंडिया का हो नहीं पाया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अच्छी इम्यूनिटी हम लोग डेवलप कर चुके थे सेकेंड वेव में डेल्टा वेरिएंट ने जो हमारी बैंड बजाई उससे हमने अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर ली इंडियन पॉपुलेशन ने अब ये इम्यूनिटी बचो इंडियन पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी है ओके ये हमें नहीं पता चाइना के अंदर है या नहीं है तो चाइना में जो है अभी जो चाइना की जो है वॉट लगी पड़ी आपको पता है वो बी एफ सेवन जो कोविड का वायरस है उससे लगी हुई है ठीक है ये बी एफ सेवन जो है बच्चों ये आपका एक सब वेरियंट एक तरह से हाईली ट्रांसमिट होता है ये ओमिक्रॉन का एक म्यूटेशन म्यूटेट हुआ हुआ चीज है ये ओके म्यूटेटेड फॉर्म है ओमिक्रॉन का ही कौन बी एफ सेवन जिसकी वजह से अभी कोरोना चाइना में परेशान कर रहा है ये वजह बहुत ही खतरनाक तरह से फैलता है इसमें एक खतरनाक बात है ठीक है दोबारा री इन्फेक्शन हो जाता है इससे दोबारा हो जाता है एक और वैक्सीन वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनमें भी इसके जो है केसेस पाए गए हैं अभी जो चाइना में जो बेहाली छा रही है वो इसी की वजह से छा रही है ठीक है इससे पहले बी ए टू और बी ए फाइव जो है सब वेरियंट थे ओमिक्रॉन के लेकिन अभी जो परेशान कर रहा है वो बी एफ सेवन है अब गईज ये वायरस बच्चों क्या इंडिया में है आ चुका है या नहीं आ चुका है तो गैस ये ये वायरस बच्चों वाला जो कोरोना का को वेरिएंट है ऑलरेडी ये इंडिया में सितंबर में आ गया था और इसको डिटेक्ट भी कर लिया गया था गुजरात में और उड़ीसा के अंदर भी ठीक है एक लेडी आई थी गुजरात में यूएसए से ठीक है वडोदरा के अंदर और वो ये उनमें ये वेरियंट जो है पाया गया पेफ़ाइजर वैक्सीन जो इंडिया में तो नहीं लगी बट यूएसए में लगी होगी तो उनको पेफाइजर वैक्सीन लगी थी तो फिर भी ये वेरिएंट वेरियंट है जो है उनको चपेटे में ले ले लेकिन इवेंचुअली वो जो लेडी है आराम से बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सही हो गई है तो अब गई यहाँ पर दोनों ही बातें हैं कि इंडिया की जो कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी जो इम्यूनिटी है सफिशेंट लेवल पर हमने जनरेट कर लिए कोरोना के खिलाफ तो डरने की बात नहीं है दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि नहीं भाई चाइना में हो रहा है तो यहाँ भी हो सकता है तो वो तो टाइम ही बताएगा ठीक है लेट्स स्प्रे के ऐसा ना हो बस यही हम कर सकते हैं दुआ ओके समझ गए तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत जानकारी रखिए ठीक है तो वायरस का बच्चों एक बेसिक फीचर है कि वो अपना जो रंग रूप है ना वो चेंज कर लेता है ठीक है तो उसको पकड़ना या उसको मारना या उसको जो है उसके खिलाफ इम्यूनिटी पैदा करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है मैं आपको फोटो एक दिखाऊंगी मोस्ट वांटेड मैन ऑफ इंडिया का मैं आपको फोटो दिखाऊँ आप इसको मैं बोलूं कि आप इसको पहचान लेना जहां पे भी दिखे तुरंत फोन कर देना पुलिस को लेकिन अगर बच्चों वो आदमी जो है हर दो दिन में अपनी शक्ल ही बदल जाती है उसकी तो आप उसको कैसे पकड़ोगे तो ऐसे ही बच्चों वायरस होते हैं इसलिए इन पर कंट्रोल पाना मुश्किल है क्योंकि चलो आप आज ये वायरस है आपने इसके खिलाफ कोई दवाई बना दी कोई वैक्सीन बना दी और वो इस वायरस को मार देगी ठीक है लेकिन वायरस गई कुछ महीनों में साल में चेंज हो जाएगा तो आज जो आपने दवाई बनाई है वैक्सीन बनाई है बड़ी मेहनत कर कर आने वाले वायरसों पे इसी के जो भाई बहन होंगे आगे जो जो इसी के जो है बेटे और उनके जो यू नो फ्यूचर जनरेशन होगी वो उस वैक्सीन से कुछ भी नहीं होगा तो तो चेंज होता रहता है थीके? तो इसलिए इन पर लगाम लगाना जो है थोड़ा डिफिकल्ट है दैट इज अ थिंग ठीक है आगे बढ़ते हैं तो समझ गए होंगे आप ये ऑल राइट यस ठीक है सो गाइज नाउ द वॉज इन वॉशिंगटन फ्यू डेज अगो सो नाउ यू एस ए सेंडिंग द पेट्रिया ओके सो पेट्रिया मिसाइल से ही रिलेटेड टी एच ए ए डी थर्मल हाई आल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम इस पर प्रब्लम्स में सवाल आ चुका है ठीक है ये बचो थार्ड है एस फोर हंड्रेड का नाम आपने सुना होगा ये पेट्रियाट है आकाश मिसाइल का नाम सुना होगा त्रिशूल मिसाइल का आपने नाम सुना होगा ये सारी बच्चों एक कैटेगरी होती है मिसाइल की जिसको हम कहते हैं सैम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है यानी कि मिसाइल जो है सरफेस से चलती है ठीक है और आसमान में उड़ते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को यह निशाना बना सकती है मान लीजिए यहां पे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है ठीक है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगी सैम मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है कोई ड्रोन है कोई दूसरी मिसाइल आ रही है ओके कोई रॉकेट आ रहा है कोई ड्रोन आ रहा है कोई हेलीकॉप्टर है कोई फाइटर जेट आ रहा है ठीक है तो इन्हें कहते हैं गई सैम टाइप की मिसाइल अब इनमें अलग अलग तरह की मिसाइल होती है अब यूक्रेन में भी फिलहाल यही प्रॉब्लम हो रही है कि जो है अटैक्स अधिकतर जो रशिया कर रहा है वो मिसाइलों से कर रहा है या ड्रोन से कर रहा है तो क्या करें यूक्रेन वाले बेचारे तो बच्चों उनको एयर डिफेंस सिस्टम जो है लगाने की जरूरत है सैम मिसाइल्स की जरूरत है जैसे सैम ये है जो एस फोर हंड्रेड है गई जो हमने लिया है रशिया से वो भी एक सैम प्रकार की मिसाइल है सरफेस टूर मिसाइल है उसकी रेंज बहुत ज्यादा है 400 किलोमीटर तक की रेंज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है एस फोर के आगे जहां आपने एस फोर लगा दी पेट्रियाट मिसाइल जो है इसकी रेंज थोड़ी कम है इसकी 120 क्या से लेके शायद 160 तक किलोमीटर तक इसकी रेंज है तो ये वजह पेट्रियाट मिसाइल अब मिलेंगी यूक्रेन को एज हेल्प फ्रॉम यूएसए एज अ गिफ्ट क्रिसमस प्रेजेंट टू द व्लादिमिर पुतिन फ्रॉम अमेरिका ओके कि अब जो है व्लादिमिर पुतिन के जो है, जो हवाई जहाज हैं हेलीकॉप्टर्स हैं बॉम्ब मिसाइल्स हैं वो अपने टारगेट पर पह, पहुंचने से पहले ये जो पेट्रेट मिसाइल्स हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बच्चों लॉन्ग रेंज ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है ये सवाल इस पर ऑलरेडी आ चुका है प्रलम्स में तो दोबारा आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ओके okay? किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हो क्रूज मिसाइल हो ड्रोन हो फाइटर जेट हो ओके उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई भी एडवांस एयरक्राफ्ट हो ठीक है रेथोन जो है कंपनी यूएसए की इसको बनाती है 90 से लेके 160 किलोमीटर की रेंज है इसकी दुनिया में और भी ऐसे सिस्टम है जैसे एस फोर आयरन डोम है इसराइल का बड़ा फेमस है ये ठीक है तो दिस इज इज द फुल नेम इज एम वन एम 104 ओ पेट्रियोट मिसाइल्स नाउ द यूक्रेन विल बी गेटिंग दिस मिसाइल्स ओके फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक ठीक है आगे बढ़ते समझिएगा तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स बचाओ को पता है ना यूनाइटेड नेशन ने घोषित कर दिया है यूएन ने जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स घोषित कर दिया है एफ ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जो कि एक स्पेशलाइज एजेंसी है यू की 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स अब ये मिलिट्स क्या होते हैं मिलिट्स बच्चों होते हैं कोर्सर ग्रेन्स कोर्स ग्रेन्स होते हैं ये ठीक है जैसे कि बाजरा रागी ज्वार ठीक है मिलिट्स बच्चों हमारी कई प्रॉब्लम्स को और डेवलपिंग कंट्रीज में या अफ्रीका में कई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है मिलिट्स में मिलिट्स की जो क्रॉप है सस्ती आती है ओके तो गरीब लोग भी इसको खा सकते हैं जुआर बाजरा आपको पता है इंफीरियर क्वालिटी में माना जाता है ठीक है अंग्रेजों के जमाने में तो हम हमारे पुरखे जो है यही खाते थे तभी वो इतने हष्ट रहते थे अब हम क्या है चावल और वीट खाते हैं तो वो इतना बचो न्यूट्रिशियस नहीं होता फाइबर नहीं होता है तो मिलिट्स के अंदर बहुत फाइबर्स होते हैं तो बच्चों हमारी नेशन की जो फूड सिक्योरिटी है जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है जो कुपोषित भारत हमारा है माल न्यूट्रिशन है देश में उसके खिलाफ जो है ये एक तरह से यू नो इट्स अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर सो मिलिट्स आर गुड फॉर द पॉपुलेशन बिकॉज इंडिया इज द मोस्ट नंबर ऑफ मालिस्ट पीपल सेकेंड बचो मिलिट्स की जो खेती है वो हमारे फार्मर्स के हिसाब से भी सही है क्योंकि हमारे भारत में दो तिहाई जो इलाका है वो रेन फेड है ठीक है बारिश बारिश के भरोसे वो इलाका जो है आपके खेती होती है वहां पर और उसके भरोसे वो यू नो क्रॉपिंग होती है तो मिलेट्स को बच्चों क्या ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है ठीक है सूखा भी पड़ गया तो ये क्रॉप जो है फेल नहीं होगी तो हर तरह से फायदा है गई हमारी फूड सिक्योरिटी फार्मर की इनकम सिक्योरिटी क्योंकि उसकी क्रॉप फेल नहीं हो रही है क्लाइमेट चेंज से के हिसाब से ये क्रॉप है तो इस बात की अवेयरनेस बनाने के लिए अब आपको बातें पता नहीं होती लेकिन अब यूएन ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स घोषित कर दिया है तो अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं तो और भी देशों में बात हो रही होगी तो मिलिट्स का बच्चों इंपॉर्टेंस इससे जो है दुनिया देश और लोगों में फैल रहा है ठीक है इससे पहले हिंदुस्तान दो में ही इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स बना चुका है नेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स तो यूपीएससी गेज यहां पर गेम खेल सकता है कि ये इंफॉर्मेशन तो अब सबको पता है ठीक है ये इंफॉर्मेशन तो सबको पता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलिट्स जो है 2023 में अब घोषित हो गया एवरीबडी नोज दिस नाउ बट मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट नो दैट इंडिया हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड नेशनल राष्ट्रीय मिलिट दिवस जो है हम ऑलरेडी 2018 में कर चुके हैं तो हमको देखा देखी यूएन भी कर रहा है और मोदी जी ने तो ये बोला है कि मेरे कहने पे जो है ऐसा हुआ है हुआ होगा अच्छी बात है ठीक है 2018 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि भाई इंडिया ने कब ईयर ऑफ मिलिट जो है बनाया था या घोषित किया था तो आपको 2018 हजार अट्ठारह वहां पर पता होना चाहिए ठीक है सो दिस इज द थिंग सॉरी ठीक है बहुत सारी क्लासेस चल रही है, एक साथ पैरेलल. कोई नहीं इंडो पेफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक फॉर योर प्रोबामिनेशन वेरी वेरी हाई ना पहले जी स्कूल में थे ऐसा वजह रूल यूपीएससी में नहीं चलता है कि आखिर में आपको सौ टॉपिक बता दू बोल दू पर अगर आप पूरे साल में ऐसी लिस्ट बनाओगे कुछ टॉपिक्स को आप चिन्हित करोगे तो ये टॉपिक उनमें से है जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है और आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द लोगों को यहां पे नहीं पता होगा क्या है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी इसमें गई अमेरिका और अमेरिका के दोस्त ओके okay, इंडिया थोड़ा साइड में है यहां पर इनका इनिशिएटिव मेनली अमेरिका का इनिशिएटिव है ये जहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए चाइना के खिलाफ इंडियन और पैसिफिक ओशन में जो देश हैं उनकी अमेरिका मदद करेगा ठीक है हर तरह से ओके okay, ट्रेड में सप्लाई चेन रेसिलिएंट जो हमारी सबकी सप्लाई चेन आज चाइना से जो है डिपेंडेंट है चाइना सामान नहीं देगा तो यहाँ गाड़ी नहीं बनेंगी यहाँ घोड़े नहीं बनेंगे तो उससे फ्री करवाना चाहता है क्लीन एनर्जी एंड डीकार्बनाइजेशन और टैक्सेशन और एंटी करप्शन के लिए एक मुहिम है अमेरिका की लीडरशिप में अगेंस्ट द चाइना चाइना को काउंटर करने के लिए ठीक है तो एक यूएस लेड बच्चों इकोनॉमिक ग्रुपिंग है ये जो स्ट्रेंथन करने की बात करती है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन मंग द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज टू क्रिएट अ स्ट्रोंगर फेयर एंड मोर रसीट इकोनॉमीज फॉर द वर्कर बिजनेसमैन एंड द इंडो पसेफिक रीजन मतलब जो दबदबा चाइना ने बना रखा है इंडो पसेफिक रीजन में उसको कम करना चाहता है अमेरिका और अपना भी यहाँ पे फुटप्रिंट वो छोड़ना चाहता है ये है गाइस इंडो पसेफिक इकोनॉमिक फोरम अब यहाँ बात और जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इंडिया को गाइस अमेरिका ने मौका दिया है India will host next round इंडिया विल होस्ट नेक्स्ट स्पेशल राउंडियां उसके बाद क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज वगैरह उसके बाद टैक्सेशन और एंटी करप्शन के चार पिलर हैं इंडिया सारे पिलर में सात है अमेरिका के सप्लाई चेन रेसिलियंस वो तो हमने अलग से ग्रुप भी बनाया यूएस आपके जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में तो इसमें हम अमेरिका के साथ हैं क्लीन एनर्जी और डी इस पिलर में हम साथ हैं टैक्सेस एंड एंटी करप्शन वन टू थ्री इन तीनों में हम अमेरिका के साथ हैं ट्रेड में बच्चों लेकिन अमेरिका के साथ हम यहाँ पर नहीं हैं उसमें हमने बोला कि वी वॉन्ट टू प्ले इंडिपेंडेंट पॉलिसी सो चार पिलर्स जो है ये भी सवाल आ सकता है जो चार पिलर्स हैं आई पी ई एफ के उसमें से एक पिलर के हम में सपोर्टर नहीं है अमेरिका भी के बाकी तीनों पिलर में हम अमेरिका के साथ हैं उसमें कंधे से कंधे में मिला, कंधा मिलाकर जो कि आपको दिख ही फोटो में चल रहे हैं समझ गए आप आगे बढ़ते हैं ओके बिल्डिंग सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यस ठीक है अब यही इस म्यांमार का हाल बचाव को पता होना चाहिए म्यांमार यार हमारा पड़ोसी आखिर में म्यांमार को हम कैसे भूल सकते हैं ठीक है तो यहां है गई म्यांमार ये म्यांमार देश है। ओके म्यांमार में गई कई सालों से मिलिट्री का रूल चल रहा था मिलिट्री वहां पर राज करती थी मिलिट्री रूल में लोग परेशान हो गए और बच्चों ओंग ओंग की जो वहां की एक सिटीजन थी लेकिन वो बाहर रहती थी वो अपने देश लौटाई और वो वहां पे मसीहा बन के गांधी जी बन के वहां पर उन्होंने एंग सुखी ने जो है मुहिम छेड़ी कि मिलिट्री रूल को हटाया जाए और म्यांमार में डेमोक्रेसी लाई जाए ओके इसमें लोग क्योंकि पहले परेशान थे म्यांमार में मिलिट्री से और महंगाई से हर तरह से तो ओम चूकी यहाँ पे कामयाब हो गई और उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सेटअप से म्यांमार को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया और इलेक्शन वहाँ पर करा दिए और इलेक्शन वो जीत भी गई वहाँ पर ठीक है अब गई इस इलेक्शन वो जीत गई लेकिन वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी क्योंकि वो सिटीज़न नहीं है म्यांमार की वो है तो म्यांमार की बट क्योंकि वो दूसरे देश में रहती थी तो उनको म्यांमार की सिटीजन नहीं है तो वो नहीं बनी तो उनका कोई उनका, उन, उनका कोई पसंद का आदमी म्यांमार में डेमोक्रेटिक तरीके से देश को चलाने लग गया म्यांमार को लेकिन बच्चों तो पिछले साल पिछले साल म्यांमार में दोबारा मिलिट्री ने पावर जो है ग्रैब कर लिया जिसको मिलिट्री कू कहते हैं मिलिट्री कू कर दिया ओके और और दोबारा ओंग की उनकी जो पार्टी थी और डेमोक्रेसी को और गवर्नमेंट को सबको हटा दिया और मिलिट्री खुद दोबारा पावर में आ गई ये ये कब हुआ पिछले पिछले साल ओके, पिछले साल ओके हो गया यानी डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल से सालों बाद म्यांमार में लाई गई उसको दोबारा जो है मिलिट्री ने गेट आउट कर दिया जो कि पाकिस्तान में भी कई बार हो चुका है जैसे परवेज मुशरफ के टाइम पे हुआ था तीन बार हो चुका है जिया उल्ला के टाइम पे हुआ था आपके और कौन थे तीसरे ठीक है जियाउल परवेज मुशरफ अयूब खान ये तीन जो है मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं पाकिस्तान में तो बचो म्यांमार में भी वही हो गया अब इसके लिए पूरी दुनिया चिंतित थी ठीक है इसके लिए गई इस पूरी चिंतित थी दुनिया लेकिन बचो अब अमेरिका हमने इंडिया बीइंग अ नेबर ऑफ म्यांमार हमने सोचा भाई अब यार अब जो भी है हमें तो रिलेशंस मेंटेन करनी है म्यांमार से तो हमने मिले म्यांमार में अब जो भी पावर में है वो उससे बात करना पड़ेगी ठीक है अब नेता नेता चाहे कितना भी भ्रष्ट हो या कितना भी अच्छा हो अगर काम पड़ा है उस आपसे उसका काम पड़ेगा तो आपको बात करनी पड़ेगी आप ये थोड़ी बोल सकते हो नहीं नहीं ये तो बेकार आदमी है बात ही नहीं करूँगा उससे ऐसे तो हम आपका, आपका ही काम खराब हो जाएगा हमारा तो पड़ोसी देश है नॉर्थ ईस्ट हमारा सेंसिटिव एरिया है तो हमने मिलिट्री से बात करना चालू कर दिया जैसे अमेरिका ने तालिबान से बात करना चालू कर दिया ऑप्शन नहीं पावर में है वो तो इंडिया ने बच्चों म्यांमार की मिलिट्री से बात करना चालू कर दिया इंडिया को पता है कि यार अब हम तो कुछ कर नहीं सकते इंडिया ने बांग्लादेश बनवा दिया वो कम है क्या ठीक है तो इंडिया तो म्यांमार में जाके वहां वहां पे वापस डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं करेगा बातचीत करना जरूरी है व्यापार इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स सब जरूरी है तो इंडिया ने मिलिट्री को ही पावर मानते हुए मिलिट्री ही पावर ओन करती है बात करना चालू कर दिया इस बात से कई लोग नाराज हो गए ओके खासतौर पर आसियान के देश जो है नाराज हो गए उन्होंने फटकार भी लगा दी इंडिया को आसियान ने बचो फाइव पॉइंट कंसेंसिस का एक सिस्टम बनाया था क्योंकि म्यांमार आसियान का दस देशों में से एक देश म्यांमार भी है तो फाइव पॉइंट कंसेंसिस की बात करी गई थी म्यांमार के लिए आसियान के देशों ने ये मिलकर एक स्ट्रैटर्जी बनाई बनाई थी म्यांमार में इस स्ट्रैटर्जी से म्यांमार में दोबारा जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना था ठीक है तो एक तो आसियान ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि भाई इंडिया यहाँ पर जो है ज्यादा होशियारी कर रहा है और वो हमारा फाइव पॉइंट कंसेंसिस के खिलाफ जाकर म्यांमार की मिलिट्री से बात कर रहा है जो कि एक्चुअल में पावर होल्ड करने के स्थिति में नहीं है ठीक है इसी समय गई ये बात चली रही थी इसी समय यूनाइटेड नेशन ये जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस, इस बात पे वोटिंग हो गई म्यांमार में जो हो रहा है ये सही है या गलत है अब हो तो गलत ही रहा है क्योंकि तो मिलिट्री को तो मिलिट्री का, का काम करना चाहिए गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करेगी डेमोक्रेसी से इलेक्ट होकर तो यहां पर बच्चों बचो हमने चाइना और रशिया के साथ दिया और इंडिया एप्सटेन कर गया वोटिंग से ठीक है तो इस साल हम पूरे एप्सटेन करें जब आपके पास वोटिंग होती है यूएन में तो तीन ऑप्शन होते हैं या तो आप सपोर्ट करते हो उस चीज को तो सपोर्ट हम कर देंगे तो म्यांमार की हमसे नाराज हो जाएगा अब नो कर देंगे तो भी उल्टा पड़ जाएगा हम पे तो हमने न्यूट्रल रह सकते हो आप ठीक है कि आप एब्सटेंड कर जाओ तो इंडिया रशिया और चाइना ये तीनों ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर्स हैं रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर हैं इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है आपको पता ही होगा एब्सटेन कर गया यानी कि यस या नो कुछ भी नहीं बोला हमने ठीक है यानी कि हम सेफ़ जो है गेम प्ले कर रहे हैं ठीक है तो म्यांमार गई सवाल प्रॉब्लम बन गया यहाँ पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते उसके खिलाफ और कुछ कर भी नहीं सकते हैं ठीक है अगर खिलाफ बोलेंगे तो हमसे नाराज हो जाएगा ओके और अगर कुछ अच्छा बोलेंगे तो वो एथिकली एथि, ए, 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 एथिकली गलत है बात ही गलत हो गई, गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो आप तो इससे बेहतर है चुप रहो तो यहाँ पे आसियान का फाइव पॉइंट कॉन्सेंसिस सवाल आ सकता है प्रलिम में कि आसियान का फाइव पॉइंट कॉन्सेंसिस इस तरह के बहुत सवाल आए हैं इस पैटर्न पे किस देश से संबंधित है म्यांमार उसका आंसर होगा ठीक है एब्सटेंड वेब्सटेंड तो चलता ही रहता है तो ठीक है इशू पर आपको समझ में आ गया गाइस क्या है ओके सो दिस इज अ थिंग ओके इंडिया हैज अगेन एब्सटेंड एंड क्वाइट अ लॉट टाइम्स इन दिस ईयर वी हैव एब्सटेंड फ्रॉम द वोटिंग अर्लियर वेन इट वॉज डन ऑन द रशिया का जो इशू था यू एन एस सी में हम एब्सटेंड कर गए जनरल असेंबली में हम इसे एब्सटेंड कर गए ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का उसमें भी हम एब्सटेन कर गए तो ये भी एक इशू है ठीक है सो आई होप इट इज़ क्लियर यू ट्वेंटी इवेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है टेंट ठीक है तो कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो कोई इश्यू नहीं है ठीक है सो बताओ जी ट्वेंटी आपको पता है वी आर होस्टिंग द जी ट्वेंटी दिस इयर वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस इन 2023 इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ओंट होस्टिंग द जी ट्वेंटी थ्री सुमिट तो जी ट्वेंटी थ्री सुमिट में गई क्या है? कई सारी चीजें होने वाली भारत में कई तरह की मीटिंग्स होने वाली हैं बहुत सारी मीटिंग्स प्लान है तो उसमें एक मीटिंग मीटिंग हुई अभी G20 में इंडिया के अंदर G20 की मीटिंग थी U20. अब U20 से आप कुछ भी समझ सकते हो सवाल आ सकता है तो बच्चों यहां पर क्या किया जी ट्वेंटी एम्बेट के अंदर रहते हुए इंडिया ने ये मीटिंग को होस्ट कराया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ठीक है इसने इस मीटिंग को होस्ट कराया ठीक है यू ट्वेंटी प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीज टू ओके कैसे गई अर्बन एरियाज के लिए यू का मतलब यहां पे अर्बन है इन बीस देशों में इन बीस देश तो नहीं है खैर जी ट्वेंटी में नाइनटीन ही है एक यूरोपियन यूनियन है यहां पर दुनिया की एट्टी परसेंट आबादी है और एक अधिकतर आबादी शहरों में रहती है तो जी ट्वेंटी के देश बच्चों अपने शहरों को कैसे बेहतर बना सकते हैं प्रॉस्परस और हर तरह से अच्छा बना सकते हैं उस पर डिस्कशन हुए इस इवेंट के अंदर यू ट्वेंटी सो इट इज रिलेटेड टू द अर्बन ओके इट इज रिलेटेड टू द अर्बन ओके सो तरह तरह की नेशनल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट उन सब के बारे में जो है हमने इसमें चर्चा करी यू ट्वेंटी जो है इवेंट के अंदर तो सवाल कई बन सकते हैं यहाँ पे इट इज वॉट इज यू ट्वेंटी किससे रिलेटेड है क्या किया गया इसके अंदर ठीक है सो दिस इज योर अर्बन ट्वेंटी इवेंट ओके समझ गए आप ओके गुड इवनिंग प्रियांशी तो बच्चों क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आपने सुना ही होगा ऐसा हो नहीं सकता नहीं सुनाओ तो क्रिप्टो करेंसी से वैसे ही बेचारे सेंट्रल बैंक जो है वो परेशान है ठीक है जैसे हमारा आरबीआई है उन, उनका क्योंकि कुछ कंट्रोल चलता नहीं है उसके ऊपर तो वैसे ही परेशान थी और अब एक नई समस्या आ गई है दे दुनिया के सामने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी अब क्रिप्टो करेंसी क्या है वही नहीं समझ पाई थी दुनिया इससे पहले बच्चों प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और आ गई हम और हाल ही में गई टी एक्स नाम की एक प्राइवेट ओके क्रिप्टो करेंसी थी ठीक है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ठीक है एफ जो है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी थी ठीक है वो क्रैश हो गई यूएसए में जिससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बताया जा रहा है जिसे अमेरिका के इतिहास में इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इस बात को इंडिया में भी घंटियां जो है बज गई इस वजह से और इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के उन्होंने बोला कि भैया क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर में बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है ठीक है बड़ी प्रॉब्लम कर सकती है क्रिप्टो करेंसीज सो इट इज बेटर दैट वी स्टेप you कॉशियसली know, क्योंकि क्रैश हो गया ये एफ टी एक्स ओके एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज थी तो इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को अगर बोला है कि अगर हमने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को और अगर ग्रो करने दिया गया तो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया में होगा वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के लिए से ही होगा ठीक है क्रिप्टो करेंसीज बचो वैसे आपको बता देता हूँ कि यह सब ऑनलाइन जनरेट होती है माई सर्वर होते हैं पूरा सिस्टम जो है ओपन होता है उस सर्वर्स डिमांड के अकॉर्डिंग जो है क्रिप्टोकरेंसी को जनरेट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है इसके अंदर जो कि पब्लिक लेज़र है मतलब खुला खाता होता है वो कोई भी देख सकता है कहाँ पर कितनी क्रिप्टो करेंसी जनरेट हुई है कहाँ पर कितनी जो है सेल हुई है वगैरह वगैरह ये सब ऑनलाइन है किसी भी देश की बैंक का या सरकार का क्रिप्टो करेंसी पे इन्फ्लुएंस नहीं है एक इसका इसका एक जो एक इनलीगल एक यूज़ भी होता है कि इसको डार्क वेब पे या इनलीगल ट्रांजेक्शन में भी यूज़ किया जा रहा है आपको पता है ना रैमसमवेयर वायरस आया था जिसमें आपका डेटा जो है सारा कंप्यूटर में सारा लॉक कर देता था और वो बोलते थे कि इस इत, इस नंबर इस पे इतनी कर, क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर दो ठीक है तो पता नहीं चलता था बैंक अकाउंट वो देता आपको तो पता लगा सकते थे आप क्रिप्टो करेंसी कहाँ गई किसी को नहीं पता चलता था ठीक है तो ये इनलीगल एक्टिविटीज़ में जो है क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ किया जाता है ठीक है कुछ फायदे भी हैं कई इनके इन्फ्लेशन से ये सेफ रहती है क्योंकि ये किसी भी सेंट्रल बैंक पर डिपेंडेंट नहीं है और इनको इंसान जनरेट नहीं करते हैं, इनको कंप्यूटर्स जनरेट करते हैं रिकॉर्ड रहता है सब कुछ ओपन है कोई छेड़ा छाड़ी की जरूरत नहीं करेंसी मोनोपोली नहीं हो सकती यहाँ पर क्योंकि सब सब कुछ ऑटोमेटेड है ठीक है तो ये तो बच्चों पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज हैं ठीक है कोई भी देख सकता है इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती हैं आप ट्रेस कर सकते हो कि कौन से वॉलेट में गई है ये कहाँ से आई थी वगैरह वगैरह ओके प्राइवेसी इसमें भी होती है बट काफ़ी कुछ ओपन रहता है सिस्टम एग्जाम्पल बिट कॉइन एथीरियम लाइट कॉइन लिब्रा बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसीज है ठीक है अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में जो क्या है ये भी क्रिप्टो करेंसी है लेकिन इसको ना आप देख सकते हो ना आपको पता रहेगा ना आपको कहाँ गए पैसे कहाँ आए कुछ नहीं पता रहेगा सिर्फ पर्टिकुलर जो लोग हैं जो प्राइवेट लोग हैं जिनको एक्सेस है वही उस करेंसी में डील कर सकते हैं देख सकते हैं मान लो माफिया है कोई दुनिया में ड्रग्स का ओके प्रोस्टिट्यूशन का आपके इलीगल किसी भी चीज़ का आर्म्स का सिर्फ वही उसमें डील करेगा और किसी को नहीं पता चलेगा ठीक है तो ये और भी सीक्रेट बना देती तो है तो गवर्नमेंट की एजेंसियाँ उसको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकती बिल्कुल कुछ नहीं पता रहेगा ठीक है तो इसमें और भी ज़्यादा रिस्क है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी में पब्लिक क्रिप्टो करेंसी से एग्ज़ाम्पल मोनरोश डैश ठीक है ये सब आपकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं ठीक है थीके? तो अभी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है FTX ओके okay. तो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज है ये FTX ये क्रैश हो गया है तो अभी एग्जाम में पूछा सकता है क्या है भाई ये ठीक है सो यू शुड नो ओके सो दिस इज द थिंग सॉरी ठीक है टेक्नोलॉजी so, okay? so, you know, okay? दुनिया की सबसे बड़ी जो है मोर देन थ्री थाउजेंड किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी कोरल रीफ है लेकिन बच्चो ये इलाका जो है बहुत ही ज्यादा कोरल ब्लीचिंग देख रहा है ठीक है कोरल ब्लीचिंग गई क्या होती है ठीक है ओके ओके ये जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है वाइट कलर का होता है कार्बोनेट से बना रहता है सीए सीओ के बारे में तो ये एक होता है, ये क्या है समुद्र में से नमक ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालकर ये ढांचा बनाता है स्केलेटन बनाता है कैल्शियम का जिसका फॉर्मूला है सी ए सीओ थ्री ठीक है ये ढांचा बनाता है व्हाइट कलर का ओके इस गई जो एक एनिमल कह लीजिए या प्लांट कह लीजिए एक एलगे आके रहने लग जाता है ठीक है जिसको हम कहते हैं जूजेंथले। ये एलगे इसके बनाए हुए घर में या इसके ऊपर आके चिपक जाता है रहने लग जाता है और ये एल्गे ही है गई जो उसको अलग अलग कोरल्स को जो अलग अलग कलर्स मिलते हैं वो इस एल्गे के कारण ही मिलते हैं देखा ना आपने कोरल्स इतने कलरफुल होते हैं ठीक है क्योंकि ये एल्गे जो है ये अलग अलग कलर्स दे देता है इस कोरल को ठीक है तो एल्गे जो होता है ये एल्गे क्या करता है से सूरज की रोशनी से और समुन्द्र में और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सूरज की रोशनी से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स खाने पीने की चीजें जो है इस को देता है कोरल पॉलिप को ठीक है कोरल पॉलिप बदले में जो है घर देता है जगह देता है इस एल्गे को रहने के लिए सिम्बॉइटिक रिलेशन कहते हैं इसको एनवायरमेंट में अगर आपने पढ़ा हो तो जैसे हेरा फेरी मूवी में जो है परेश रावल जो होता है वो गई दोनों को कह देता है घर देता है सुनील शेट्टी को और जो है अक्षय कुमार को ठीक है तो उसके बदले में जो है सुनील शेट्टी और जो है अक्षय कुमार घर का, का काम करते हैं खाना वाना पका के देते हैं परेश रावल को तो जो यहाँ पर जो परेश रावल है वो कोरल पॉलिप है और अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जो है वो एल्गे हैं समझ रहे हो आप तो ये जो है आपके ऐसे जो है कोरल्स आपके बनते हैं ओके अब गई एक एक और टर्म आपने होगा कोरल ब्लीचिंग ब्लीचिंग क्या होता है लड़कियां ब्लीचिंग कराने जाती हैं लड़के भी जाते हैं आजकल तो तो आपके चेहरे पे कुछ ऐसा लगाते हैं वो मैंने तो एक बार कराया था तो बहुत ही जलन मची हुए तो कराया नहीं उसके बाद में ठीक है तो उससे चेहरा आपका जो है बच्चों वाइट हो जाता है पूरा ठीक है उसे कहते हैं ब्लीचिंग कि ब्लीचिंग करा लो तो ब्लीचिंग का मतलब वाइट कर देना किसी चीज को तो ब्लीचिंग बच्चों आपके चेहरे पे अच्छी लग सकती होगी शायद लेकिन कोरल अगर ब्लीच हो जाए तो मतलब ये होता है कि इस पर जितने भी ये एलगे थे ये मर गया और अब ये सिर्फ वाइट कोरल रह गई है बच्चों कोरल में अगर जो है वो जो एलगे होता है वो मर जाता है तो ऑब्वियसली ये जो कोरल पॉलिप है ये भी जिंदा रह के क्या करेगा इसको खाना पीना मिलेगा ही नहीं ओके तो ये भी पूरा वाइट हो जाता है इसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग जो तो एल्गे है वो मर जाता है एल्गे के मरने के साथ में वो जो कलर्स होते हैं जो कोरल के वाइब्रेंट जो कलर्स होते हैं रेड ब्लू ग्रीन येलो सारे तरह के वो सब गायब हो जाते हैं और सिर्फ ये ढांचा रह जाता है डेड कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढेर इसे हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग तो जो कोरल ब्लीचिंग भारी मात्रा में हो रही है हर जगह हो रही है वैसे तो उस पर क्लाइव विल्किसन रिपोर्ट भी है ओके सो द ग्रेट बैरियर रीफ इज विटनेसिंग द कोरल ब्लीचिंग ऑल राइट अब बाजो इस कोरल ब्लीचिंग की वजह से जो है साइंटिस्ट को यह लग रहा है कि यार जो कोरल्स में जो है इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है आपको पता है क्या इस कोरल्स में जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है ये सवाल भी आ गया था पेलमस में कि बायोडाइवर्सिटी जो है रेन फॉरेस्ट में ज्यादा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या कोरल्स में ज्यादा है तो जो कोरल्स में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो एक बार अगर ये स्पीशीज़ इनकी विलुप्त हो गई एक्सटिंक्ट हो गई तो दोबारा नहीं आएगी ये तो साइंटिस्ट ने बच्चों क्या निकाली टेक्नोलॉजी निकाली क्रायोमैश इसके अंदर बेसिकली कोरल्स जो एक्सटिंक्ट हो रही हैं जो प्रकार की उनको ये फ्रीज करके रखेंगे जमा देंगे माइनस डिग्री पे और उसको एक तरह से सेव कर लेंगे ये और अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाती है नेचुरली तो उसको आर्टिफिशियली ये जो है ग्रो कर देंगे और उसको एक्सटिंक्ट होने नहीं देंगे मतलब समझ रहे हो माइनस नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस पे कोरल के लारवे को जो है प्रिजर्व कर लिया जाएगा अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं फ्यूचर में तो इसके इससे दोबारा आत्मा में शरीर में जो है आत्मा डाली जा सकती है उस टाइप का कुछ ये करना चाह रहे हैं तो फिलहाल वचो कोरल्स काफी तरह के थ्रेट फेस करते हैं क्लाइमेट चेंज से वगैरह वगैरह ये वाला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है ठीक है ओश ओशंस में जो है एसिडिफिकेशन हो रहा है एसिड पीएच लेवल बढ़ रहा है ओशंस का ठीक है एसिडिफाई हो रहे हैं उससे कोरल को दिक्कत है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है देन देर इज़ द मैनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं रिवर्स जो हैं गंदा पानी लेके पानी समुद्र में चली जाती हैं तो उससे कोरल मर जाती हैं ठीक है फिशिंग करते हुए भी लोग कई ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कोरल्स को नुकसान पहुँचता है ठीक है तो इस सबके कारण कोरल्स को जो है थ्रेट है ठीक है मेजर जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और ओशन करंट्स में चेंज हो जाना ओके तो वो जो ओशन करंट्स होते हैं वो क्या कोरल्स के लिए न्यूट्रिएंट्स का, का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं ओके okay. कोरल्स आपके सॉल्टी पानी होता है समुंदर का उसमें ही सिर्फ सरवाइव कर सकती हैं फ्रेश वाटर में ये नहीं कर सकती फिर सॉल्टी वाटर जो होता है उस, उस उसमें से न्यूट्रिएंट्स ये ले लेती हैं समझ गए आप सो दिस इज़ अ थिंग ओके एनी प्रॉब्लम टेयर प्लीज आस्क मी लेट मी हैव सम वाटर World War में जिसने ता जिसने जो है अपने जान पे लिया सर पे न्यूक्लियर एक नहीं दो दो न्यूक्लियर बॉम्ब उसने झेले इकलौता कंट्री जिसने न्यूक्लियर अटैक झेला जापान आपको है आपको वर्ल्ड वॉर टू की बात हो तो जापान के लोग इतना बुद्धिज़्म में फिर उतना गए कि उनको वो परे निकल गए बियंड अब बियॉन्ड निकल गए लड़ाई दंगे कि हम अब लाइफ में कुछ भी हो जाए अब हम लड़ाई वड़ाई वॉर वॉर नहीं करेंगे हम न्यूक्लियर बॉम्ब में उनको ऐसी जो है आप मार लगी उनको कि उन्होंने कह दिया कि भैया गांधी जी के रास्ते पर चले कोई गाल पर थप्पड़ मार दो तो ठीक है आगे बढ़ो अपना काम से काम करो उलझो मत फालतू में और उसके बाद बच्चों को क्या देखते हैं हम जापान की ट्रिमेंडस इकोनॉमिक ग्रोथ जापान की कंपनियाँ आप देख लीजिए टोयोटा गाड़ियों में इतना सारा नाम है उनका होंडा ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में एस एयर कंडीशनिंग में मेरे रूम में इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं जो जापान में प्रिंटर है ओके तो जापान की कंपनी क्या ट्रिमेंडस ग्रोथ करी लड़ाई वड़ाई का मार्ग उन्होंने छोड़कर इकोनॉमिक डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस पर ध्यान दिया ठीक है लेकिन हाल गई दोबारा अब कई बार तो अपन जान पूछ के कुछ करते हैं कई बार मजबूरी में भी अपने आप को अपने को जो है हथियार उठाना पड़ता है ओके कई बार तो हम जान पूछ के उठाते हैं दादागिरी करने के लिए या जो है दूसरों को दिखाने के लिए लेकिन जापान का वजह समय जो है अभी थोड़ा खराब आ गया है क्योंकि हालत देखते हुए फिलहाल में दुनिया की किस तरह से रशिया जो है एग्रेशन दिखा रहा है बिल्कुल ही यू नो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं लोग मार रहे हैं दूसरे को पढ़े लिखे लोग वेस्टर्न कंट्रीज जिनको हम यू नो और उसी तरह के चाइना के इरादे इस तरफ है पैसेफिक में करने के ताइवान पे कब हमला हो जाए पता नहीं है जापान पे कब चाइना कुछ कर दे पता नहीं है तो बचो अब जापान ने जो है अभी भयंकर ऐतिहासिक तौर पे थ्री हंड साढ़े तीन सौ बिलियन डॉलर का बजट पास किया है उस कंट्री ने जो लड़ाई दंगे पे कुछ विश्वास ही नहीं करता था तो इसकी कोई सेना भी नहीं थी तो अब गई धीरे धीरे जापान अपनी नेवी और एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है चाइना से जो है आगे कुछ बात हो जाए और पहली बार जापान ने अपने दोस्त यानी कि हिंदुस्तान के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट करी है वीर गार्जियन 23 पहली बार ऐसा होगा कि जापान की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स अब ये पूछा सकता है कि पहली बार हो रहा है ठीक है तो बच्चों हयाकुई एयरबेस और इरुमा एयरबेस जापान में यहाँ पर जो है एयर एक्सरसाइज होने वाली है ये ठीक है इसमें जो है दोनों ही देशों की जो है एयरफोर्से पार्ट लेने वाली है तो इंडिया ने डेढ़ अपने जवानों को भेजा है सी ट सी सेवेंटीन ग्लोबल मास्टर जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है एलुशियन सेवेंटी एट जो कि टैंकर एयर मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए और हमारे भारत की जो बैकबोन है सुकोई थर्टी एम के आई ये फाइटर जेट जो है इसको इंडिया ने भेजा है वहाँ पर पार्ट लेने के लिए तो वहाँ पर जो है दोनों देशों के एयर फोर्सेज जो हैं साथ में काम करेंगे सीखेंगे एक दूसरे से जापान से कौन से हवाई जहाज़ आ रहे हैं वो कोई मतलब के नहीं है ठीक है सो दिस इज़ दिस इज़ अ थिंग यू शुड रिमेंबर आई थिंक फॉर योर प्रब्लम्स एग्जामिनेशन और आप इसको आंसर में भी लिख सकते हो मेन्स में पहली बार वो करिए भाई नाम पता होना चाहिए काम पता होना चाहिए कहाँ हुई है ये पता होना चाहिए बस ठीक है तो मजबूरी में है गई जब जापान को करना पड़ रहा है क्योंकि क्या करें अब ठीक है कल चाइना कुछ कर दे क्या पता तो आप हाथ पे हाथ रख कर थोड़ी बैठ सकते हो ठीक है तो आज की ही न्यूज़ है एजज़ीरा की जिसमें पुतिन ने बोला है कि हम ठीक है तैयार हैं बारिश कर दी पहले तो यूक्रेन की यूक्रेन के ऊपर मिसाइलों की और फिर बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं आपके समझौते के लिए हम तैयार हैं लड़ाई को रोकने के लिए बट आई डोंट थिंक सो कि रशिया अपनी डिमांड पूरे हुए बिना लड़ाई को रोकने की कोशिश भी करेगा या क्यों करेगा उसने इतना जो है खून और अपना हथियार और इतना पैसा फूका है तो बच्चों अपने ऑब्जेक्टिव्स पे तो जो है रशिया कॉम्प्रोमाइज़ करेगा नहीं ठीक है सो तो रशिया और यूक्रेन का गई अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट समझना है तो आपको कोल्ड वॉर की जो लड़ाई है उसमें जाना पड़ेगा जब रशिया जो है पूरा एक सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था तब रशिया था ही नहीं तब एक बहुत बड़ा देश था दुनिया का यूएसएसआर ठीक है अब व्लादिमिर पुतिन के बच्चों दिमाग में पता नहीं कहीं से बात आ गई पिछले पांच दस सालों में ये तो बीस साल से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं ओके रशिया के अब वो गई जो चाहते हैं कि पुराना सोवियत यूनियन का जो और था पुराने सोवियत यूनियन की जो ताकत थी जो नाम था और जो उसका जो दबंग दबंगाई थी दुनिया में चलती थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन वो दोबारा लाना चाहते हैं पुतिन ठीक है इसका एग्जाम्पल हमको फर्स्ट एक इसका लॉजिकल एक फैक्चुअल एक एग्जाम्पल मिलता है जब बी पुतिन ने जब रशिया ने पहली वैक्सीन बनाई कोरोना की दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन आपको पता है ना रशिया ने बना दी थी एकदम से पता चला अरे वैक्सीन आ गई रशिया ने बना दी अच्छी बात है क्या नाम रखा उन्होंने स्पुटनिक ठीक है तो स्पुटनिक बच्चों नाम व्लादिमिर पुतिन ने चुराया वहां से जो सोवियत यूनियन ने दुनिया की पहली सैटेलाइट जो भेजी थी अंतरिक्ष में ओके okay, उसका नाम भी स्पुटनिक था तो व्लादिमीर पुतिन ने जो पहली वैक्सीन रशिया ने जो वैक्सीन बनाई उसका नाम भी क्या रख दिया स्पटनिक तो यहां पे बच्चों व्लादिमीर पुतिन जो है दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई सोवियत यूनियन कहीं नहीं गया हम ही हैं सोवियत यूनियन अब सोवियत यूनियन कहीं नहीं गया सोवियत यूनियन के कुछ टुकड़े थे कुछ, कुछ गद्दार थे वो अलग हो गए सोवियत यूनियन अभी भी एग्जिस्ट करता है और वो हम ही हैं नाम बदल गया हमारा रशिया हो गया लेकिन सोवियत यूनियन हम ही है ठीक है तो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं और ये यूक्रेन की लड़ाई का जो जो चक्कर है सारा ठीक है ये बच्चों आज का यूक्रेन है ओके ये उस समय सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था यूएसएसआर का ठीक है यूक्रेन का गाइस इंग्लिश में मतलब भी होता है बॉर्डर बॉर्डर स्टेट ठीक है सरहदी इलाका यूक्रेन आज किसी का बॉर्डर नहीं है लेकिन उसका तो नाम यूक्रेन इसलिए पड़ गया क्योंकि वो यूएसएसआर की इस तरह दुआ करता था उस जमाने में ठीक है यूएसएसआर का बचो डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर के विघटन हुआ तो उसके कई सारे पार्ट्स अलग हो गए छोटे छोटे कंट्री यहां बन गए यहां नीचे कई कंट्रीज बन गए बट मेजर एट्टी परसेंट पास रशिया में ही रहा तो बचो इमोशनल कनेक्शन तो है ही यूक्रेन का और रशिया का आपस में एक बॉन्ड तो है ही एक समय में एक ही देश के पार्ट रहे थे ये ठीक है अब गई यूक्रेन क्या है 2000 तक तो साथ ही था रशिया के पंगा नहीं लेता था बट ये जेलेंसकी की गवर्नमेंट आ गई इसलिए क्या कहा ज्यादा ही अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश करने लगे यूरोप के पास जाने लगे बोले हमें नेटो में मिला लो अब नेटो तो गई बना ही रशिया को खत्म करने के लिए पहले सोवियत यूनियन को खत्म करने के लिए बना था और खत्म कर भी दिया और अब जो है नेटो का सारा फोकस है रशिया के खिलाफ अब यूक्रेन में जो जाना चाह रहा है नेटो के अंदर शामिल होना चाह रहा है ये तो रशिया ने पहले कुछ नहीं कहा चलो ठीक है जेलेंस की बहुत याराना बढ़ा रहे थे अमेरिका से यूरोप से पुतिन देख रहे थे वो मान जा भाई क्यों कर रहा है ऐसा ठीक है माना नहीं जेलेंस की और बात बच्चों इस तक आ गई कि अब जो है जेलेंस की जिद पर अड़ गए कि हमें नेटो का मेंबर बनाओ और नेटो का मेंबर अगर बनते ही यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाता तो बच्चों फिर यूक्रेन की एक इंच जमीन पे भी अगर रशिया का एक मिसाइल छोड़ी एक गोली भी पड़ जाती तो पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका को आना पड़ता यूक्रेन की लड़ाई लड़ने के लिए जो उनकी लड़ाई है नहीं तो उन लोगों ने भी वो भी चालाक हैं तो वो भी चालाक हैं यूरोप और यूएसए उन्होंने भी नेटो का मेंबर बनाया नहीं इतने समय से यूक्रेन को लेकिन बादल माहौल ऐसा बन रहा था कि बनाया जा सकता है तो रशिया ने बोला यूक्रेन को पहले तो कि देखो भाई कुछ भी कर लो अपने आपस में बॉर्डर के यहाँ पे मसले हैं हम आपस में सुलझा लेंगे डोनास् और वो जो इलाके हैं ओके लेकिन तुम नेटो का मेंबर बनने का सपना छोड़ दो ठीक है यूक्रेन ने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा तो बचो रशिया ने पुतिन ने अमेरिका से ये बोला कि आप गारंटी लो कि आप लिख कर दो हमको कि हाँ आप यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाओगे अमेरिका ने हम तो हम तो नहीं लिख के देंगे हम क्यों लिख के दें हमारा डिसीज हमें लग लगेगा तो हम बना लेंगे बनाना तो वो भी नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता है अगर यूक्रेन को बना लिया तो यूक्रेन एक तरह से हमारी उसमें आ जाएगा तो यूक्रेन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी ठीक है तो बनाना तो वो भी नहीं चाहते थे लेकिन ईगो क्या है ईगो बहुत बड़ी चीज़ है जिसने दुनिया में हमेशा तबाही मचाई है चाहे वो राम रामायण हो चाहे वो ये लड़ाई हो कोई सी भी हो ठीक है ऑल राइट सो ये कई इमोशनल इशू हो गया और रशिया ने बोला नहीं 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 आपने कई यहाँ पे हमारे देश थे छोटे छोटे इस्तोनिया पिस्तोनिया जो हमारे पार्ट हुआ करते थे, थे एक समय उनको तो नेटो में मिला लिया रशिया को लगा कि अगर उसने कुछ किया नहीं अब तो यूक्रेन को नेटो में मिला लिया जाएगा और बात सारी बिगड़ जाएगी नेटो बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच जाएगा उसके और इसी चक्कर में बच्चों रशिया पर अटैक कर दिया इस फेबररी के अंदर इसी साल दबाने के लिए ठीक है ये इलाका बच्चों यूक्रेन के पास था इसको भी 2014 में रशिया ने हड़प लिया था जबरदस्ती ऐसे मनमानी कर कर अपने पाव आर्मी मिलिट्री और नेवी के दम से क्रीमिया कहते हैं इसको नाम सुना ही होगा आपने ये भी यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है ब्लैक सी के अंदर यहाँ पर ब्लैक सी है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है ब्लैक सी का क्रीमिया इसको भी हड़प लिया था ओके तो ये यही इस कहानी है नट शहर है हो सकता है यूक्रेन रशिया की लड़ाई अब ख़त्म हो जाए और बातचीत पे आ जाए फिर होती रहेगी बातचीत पहले भी इन्होंने करी मिन्सक एक शहर है ये यूक्रेन है यहाँ पर बचो छोटा सा शहर एक देश है बेलारूस ओके जो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है और अभी रशिया की पूरी मदद कर रहा है यूक्रेन पर अटैक करने में इसका शहर है एक मिन्स्क वहाँ पर कई बार पहले भी बातचीत हो चुकी बट वो एग्रीमेंट्स जो हैं फ्रूटफुल नहीं रहे ठीक है अब यही पुतिन ने बोला है कि ठीक है यार हम अगर यू नो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं यूरोप और अमेरिका ये हमारे जो ऐतिहासिक रिलेशन हैं हमारे तो यूक्रेन से उनको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इनको जो है हमें फुल स्टॉप रोकना पड़ेगा ठीक है सबसे पहले तो जो है इनको आप रोकिए यूरे यूरोप और अमेरिका को दूर रखिए हम आपस में सुलझाने को तैयार हैं जो भी मुद्दे हैं ओके यूक्रेन का इशू हो जो आपको पता ही है बहुत ही ख़तरनाक है वर्ल्ड वॉर टू के बाद और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे जब ऑलमोस्ट न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला था और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इसको सबसे डेडलीस्ट जो है इवेंट बताया जा रहा है सबसे डेडलीस्ट इवेंट है अब तक का इतिहास में वर्ल्ड वॉर टू के बाद ठीक है 2014 में क्रीमिया को मिला ही लिया था तभी भी कुछ नहीं कर पाया नेटो और फेटो कुछ नहीं कर पाया रशिया से और अब यूक्रेन मिलना ही चाह रहा है नेटो में तो वो रशिया को बर्दाश्त नहीं तो रशिया ने अटैक कर दिया ठीक है तो पुतिन ने बोला कि दे ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड एंड द कॉनकर एंड आर गोल इज समथिंग एल्स टू यूनाइट द रशियन पीपल ठीक है तो ये बोला है तो लेट्स सी वॉट हैपन्स नाउ बट दिस इज द केस ठीक है बट लग नहीं रहा कि पुतिन जो है रुकने वाले हैं जब तक उनके एम्बिशन्स जो है पूरे नहीं हो जाते आपको कही जगह नहीं कुछ समझ में आया अब तक इस इशू में ये तो लंबा इशू है तो आप पूछ सकते हो यस yes, बट ये तो सब रटने की जरूरत नहीं है उसके बिना भी काम हो जाएगा ठीक है ठीक है तो इसी के साथ आज जो है क्लास अपनी एंड करते हैं आई द वर्ल्ड की एंड इस टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है इसका सारा का सारा जो है मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ जुड़ जाइएगा आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ ऑलवेज वेलकम बचेस आर देयर ऑप्शनल एंड एवरी थिंग इज देयर यूज द कोड शेड्यूल पे भी आपके लिए बचो बहुत अच्छा ऑफर भी आने वाला होगा तो तब जो है आप अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो न्यू ईयर पे ठीक है ऑफर आएगा कुछ ना कुछ तो आप इस कोड को यूज कर सकते हो बच्चों कोड बोलते तो सब हैं ओके बट अ शॉर्ट गारंटी मिलती है आपको यहाँ पर गाइडेंस की टेलीफोनिकली डायरेक्टली वन टू वन मेरे से डायरेक्टली आपको गाइडेंस मिलेगी इस कोड को आप यूज़ कीजिएगा जो भी डिस्काउंट है जो भी स्कीम है वो तो लगेगा ही खैर वो हर कोड से बराबर ही मिलता है किसी कोड से कुछ फ़र्क नहीं लेकिन हाँ इस कोड से आपको मेंटरिंग गाइडेंस ज़रूर मिलेगी ताउन सब्सक्रिप्शन के बाद भी वैल्यूडिशन मटेरियल भी आपको मिलेगा मेरी तरफ से यू यूज द बेस्ट कोड बी इन द बेस्ट टीम ओके कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आपको लेना है जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें डेढ़ साल या दो साल का ठीक है और ऑफर आएगा तब आपको और फायदा हो सकता है एक्सटेंशन ऑफर भी आ सकता है डिस्काउंट भी आ सकता है 2023 है तो 23 परसेंट का डिस्काउंट प्लस एक्सटेंशन कुछ भी आ सकता है आई डोंट नो बट इट विल कम सो यू कैन वेट फॉर थ्री फोर डेज एंड मे बी यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन इन द ऑफर तब तक के लिए शेड्यूल यूपीएससी टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिएगा अब मिलते हैं कल सुबह फॉर द प्रीलिम्स पॉइंटर्स क्लास ओके दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस डोंट मिस दैट क्लास आई एम टेलिंग यू वो क्लास आप मत मिस करिए प्रीलिम्स पॉइंटर में आपको उसमें वो पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है मैं आपको उसमें वो नहीं पढ़ा रहा जो एग्जाम में पढ़ाया जाता है तैयारी के समय अधिकतर लेकिन एग्जाम का पैटर्न जिस तरह से चेंज हो रहा है उस तरह से हमें हमें पर हमें अपनी तैयारी भी ए, के तरीका भी बदल देना चाहिए और हमें एज ए टीचर एज आज एजुकेटर आज भी अपना अप्रोच है बदल लेना चाहिए वरना ना यू फिर ना आपको कुछ रिजल्ट दे पाएगा ना हमको दे पाएगा ठीक है तो मैं तो बदल लिया हूँ ओके अगर आपको भी मेरे साथ आना है तो आप वेलकम हो उस क्लास में आपके लिए सुविधा के लिए मैंने 12 बजे भी कर दी है क्लास ताकि दूसरी क्लास से क्लैश ना हो वो क्लास और आप सब लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंस में आ सको सो so, ट्वेल्व पी पे कल बारह बजे दिन में हम मिलेंगे प्रिलम्स पॉइंट क्लास में आके देखिएगा एक बार अच्छा लगेगा आपको और आप खुद ही समझ जाओगे अगर आपने पिछले साल के पेपर्स देखे हुए हैं अगर आपने पढ़े हो आप चार पाँच छः सात आठ महीने से पढ़ रहे हो आपको समझ में आ जाएगा क्या दूध है और क्या पानी है ठीक है तो कल मिलते हैं बारह बजे तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर